नमस्ते एंड एंड वेलकम टू बूस्टर बूस्टर नॉलेज पोर्टल पोर्टल फॉर लर्नर्स अचीवर्स नमस्कार और ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है हम पुनः हाजिर द टॉपिक फॉर द डे डिटेल एनालिसिस एक्सप्लेनेशन एंड फैक्ट्सिंग इशू सबसे महत्वपूर्ण आज के विषय में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे का then point number important important recent developments we will try and scan through some of the most important things that have happened recently third facts and numbers अनेक विषयों से संबंधित आंकड़ों की मदद से गहराई से चीज पर पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे कोई भी वस्तु कोई भी चीज कोई भी विषय जो आपके सामने आपके जीवन में आता है यदि उस पर आपको एक संपूर्ण पकड़ बनानी है so in addition to the subjective facts you need to have very deep numbers based grip also ye message dene ke liye humne section 3 banaya and finally we'll have an objective quiz as always the beauty of body booster is that you get insights beyond the obvious aur sab kuch angrezi hindi mein ek sath dhyan rakhein हर तरह की परीक्षा के लिए यह ज्ञान बहुत मददगार सिद्ध होगा लेकिन साथ ही साथ हम आपका स्वागत करना चाहेंगे बोधी booster website पर प्रतिदिन और उसके अलावा साथ ही साथ सिविल्स तपस्या पोर्टल सिविल्स डॉट पी टी एजुकेशन डॉट कॉम जहाँ का सुपर रिच कंटेंट सेक्शन हर तरह की गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फिर वो आरबीआई की एग्जाम हो सीएपीएफ की हो एसएससी सीजीएल हो बैंक पीओ हो या यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम ही क्यों ना हो सभी के लिए आपको लगातार बहुत अच्छा कॉन्टेंट मिलता रहता है तो इन पोर्टल्स पर इन साइट्स पर रोजाना आए ज का काम पहले असाइनमेंट से शुरू होगा नॉलेज हैज टू बी इंप्रूव चैलेंज एंड इंक्रीज कॉन्स्टेंटली सुधारना चुनौती देना और बढ़ाना होता है नहीं तो ज्ञान गायब हो जाता है आप इसका एनालिसिस कॉमेंट सेट में बताएं ट्राई टू राइट अ स्मॉल मिनी एनालिसिस ऐसे इन फिफ्टी हंड्रेड और वन फिफ्टी वर्ड इन दी कॉमेंट सेट और अपने जीवन के कुछ उदाहरणों के साथ इसे रिलेट करें और समझाने का प्रयास करें इस तरह आपकी राइटिंग स्किल्स लगातार प्रैक्टिस से सुधरेगी सिविल तपस्या पोर्टल पर ये सब आपके लिए अवेलेबल है लिंक सामने दे रखी हैं वार्तालाप फोरम पर रोजाना कर उत्तर लिखें बहुत अच्छे आपकी राइटिंग स्किल्स सुधारने में मदद मिलेगी वो कैप कोर्स गुरुकुल पर लगातार अवेलेबल है आइए आज की बोधी न्यूज़ प्रारंभ करें तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं आज का टॉपिक फॉर द डे क्या होगा क्या होगा हमारा महत्वपूर्ण विषय टॉपिक फॉर द डे क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं टॉपिक फॉर द डे क्या होगा आज का विषय स्क्रीन को देखकर जो चित्र दिखाई दिया कैन यू ऑफ कोर्स द टॉपिक फॉर द डे इज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया भारत में राष्ट्रपति चुनाव बड़ी गहराई से हम समझेंगे प्रक्रिया क्या है इसके लाभ क्या हैं और इसकी विसंगतियां क्या है वी विल सी इन डेप्थ द प्रोसेस हाउ इट हैपन्स आर द रूल्स दैट गवर्न इट एंड वट आर द डिस्क्रिपेंसी वेरी स्ट्रेंज वंस इन द इलेक्शन प्रोसेस इट्स सेल्फ देखेंगे चालू करें आज का काम बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ज्ञान के लिए परीक्षाओं के लिए।, लिए लिखना शुरू करें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन द टाइचुलर हेड प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट मुखिया होते हैं लेकिन वो एक शक्तिविहीन मुखिया होते हैं लेकिन अगर उनके सभी पोस्ट या एक्स ऑफिशियल पावर्स को देखा जाए तो वो शक्तिहीन कहीं से नहीं दिखते आइए देखें द टाइटुलर हेड प्रेसिडेंट इंडियन डेमोक्रेसी अडॉप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेन इट गेव इट सेल द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन फिफ्टी नाउ यू एंड मी एज इंडियंस माइट फाइंड दिस अ गिवन सो टू से समथिंग that वी टेक फॉर granted. बट many nations इन द वर्ल्ड have फॉल्टर्ड एट दैट वेरी स्टेप तो भारत में हमने एक संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक संसदीय सरकार व्यवस्था चुन ली और उसी पर अभी तक टिके हुए हैं सत्तर वर्षों में लेकिन ऐसा दुनिया भर में नहीं हुआ है बहुत से देश कुछ ही वर्षों में ढेर हो जाते हैं या तो वहाँ सेना काबिज हो जाती है पाकिस्तान या वहाँ संविधान चकनाचूर हो जाता है जैसे कि चीन जो जहां संविधान का कोई मूल्य ही नहीं है केवल पार्टी का है कहने का आशय है कि हमें इसे सम्मान करना चाहिए एवर सिंस द सुप्रीम पावर हैज वेस्टेड इन द गवर्नमेंट फॉर्म थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट तो अब यहां पर हम दो पदों को आपस में विभाजित कर दें द एंटायर पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉलोज द टू हेड सिस्टम यू हैव द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ स्टेट सरकार के मुखिया होंगे प्रधानमंत्री देश के मुखिया होंगे राष्ट्रपति या राज्य के स्टेट के मुखिया राष्ट्र के मुखिया राष्ट्रपति दिस स्पेशल पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट गिवस द मच नीडेड सेम्बलेंस ऑफ अ टॉप लेवल सुपरवाइजरी बॉडी दैट कैन गाइड इन टाइम्स ऑफ नीड एंड डिफिकल्टी दिस इंस्टीट्यूशन एज सर्व इंडिया वेल डिस्पाइट दी ओकेशनल प्रॉब्लम टू टाइम तो ये एक बैकग्राउंडर है रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड आई होप दिस बैकग्राउंडर सर्व्स बैकग्राउंड गुड वार्मिंग अप पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस आगे बढ़े तुरंत तो ये चुनाव इस पद के लिए हुआ है और चुनाव में दलित वर्सेस दलित पोजीशनिंग हो गई जो कि कई लोगों को बड़ा सैड लगा डिप्रेसिंग लगा कि इस पद के लिए हर पार्टी की रेखा से ऊपर उठ के काम होना चाहिए बट द हार्श रियलिटीज ऑफ रियल पॉलिटिक इन इंडिया कैन मेक इवन द मोस्ट लॉफ्टी आइडियल्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स और ये उसी का जीवन सबूत रहा है बट नो आर ऑल अबाउट रोल ऑफ द प्रेसिडेंट आइए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखें आखिर राष्ट्रपति का कार्य होता क्या है इन इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ वेस्टर्ट इन द पोलिटिकल ऑफिस ऑफ एम द प्रेसिडेंट होल्ड दाइएस्ट इलेक्टिव ऑफिस एज दी हेड ऑफ स्टेट तो हालांकि सरकार की सारी शक्तियां तो प्रधानमंत्री में है लेकिन सबसे उच्च चुना हुआ पद तो राज्य के प्रमुख का ही है जो राष्ट्रपति महोदय हैं। the सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस बड़ी महत्वपूर्ण तो लाइन है भैया भारतीय संसद या विधायिका और कार्यपालिका दोनों के ये प्रमुख हैं तो इसलिए भारत सरकार जब भी टेंडर निकालेगी तो वो राष्ट्रपति के नाम पे निकलेगा संसद लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है सो ऑन वन हैंड यू हैव द एग्जीक्यूटिव जिनके हेड होंगे राष्ट्रपति एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव द लेजिस्लेटिव उनके भी हेड होगा राष्ट्रपति और निश्चित तौर पर सशस्त्र बलों के सर्वोच्च नेता ही इज द फर्स्ट सिटीजन सो दैट्स फर्स्ट अमंग्स इक्वल थ्योरी एंड रिप्रेजेंट्स इंडिया इसलिए वो किसी एक दल से तो नहीं आते और अभी तक कमोबेश यही स्थिति रही है जितने भी राष्ट्रपति महोदय हुए हैं एक बार राष्ट्रपति बनने के पश्चात यह समस्या यूजुअली नहीं आई कि उन्होंने कभी कोई पार्टी लाइन एज सच ले ली हो दैट हैज नॉट हैपन विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव सिग्नल

तो इफ समवन वांट्स टू डिसॉल्व द राज्यसभा क्या करना पड़ेगा हमें बताइए कमेंट्स में हम चाहते हैं राज्यसभा भंग हो पिछली बार कब भंग हुई थी बताइए लोकसभा तो हमें पता है 2014 में भंग हुई और फिर अगली लोकसभा बनी अब 2019 में भंग होकर अगली लोकसभा बनेगी राज्यसभा पिछली बार कब भंग हुई थी सवाल यह है और समझाते हुए लिखिएगा कॉमेंट्स थ्रेड में द पास टू ग्रांट पार्डन एंड क्लीमेंसी बड़ा अच्छा शब्द है क्लीमेंसी तो क्लीमेंसी का मतलब होता है माफी दे देना ट दैट्स एन एजेक्टिव दैट मीन वेरी फेवरेबल एंड क्लिमेंसी इज मर्सी वेस्ट वेस्ट यानी बसी होना इन दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैंड्स इट इज अ वास्टलीटेडिसूशनल पार्ट तो अब आप अगर ये पूरी पढ़ेंगे सूची तो कितनी सारी शक्तियां राष्ट्रपति पद में समाहित हैं उसके बावजूद लोग कहते हैं हिट्स ए टाइटुलर पोस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी सोचते होंगे हम और क्या करते हैं इसमें

कि द बेस्ट लेट प्लान माइस कैन गो एस्ट्रे तो इसलिए ध्यान रखें मानव योजना बना सकता है अंततः तो क्या होगा किसी को नहीं पता इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में यह फ्रेज लगा दिया गया अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स दी ऑफिस क्योंकि वहां वैक्यूम नहीं रख सकते ना नेचर एवोर्स वैक्यूम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑल्सो एवोर्स वैक्यूम यह तो मैंने आपको निबंध का विषय दे दिया भाई नेचर एवोर्स वैक्यूम And a also ये मैंने क्यों बोला इन ट्वेंटी अनुच्छेद चौपन से अठावन और बासठ संविधान का राष्ट्रपति चुनावों के सभी प्रावधानों को सूचीबद्ध करता है और उसके अलावा दूसरी चीजें भी हैं जो आपने देख ली इट इज द इलेक्शन ऑफ़ कमीशन अंडर आर्टिकल 324 इज़ अथॉरिटी टू कंडक्ट तो चुनाव आयोग की ताकत यहां पूरी पूरी समझ में आती है अनुच्छेद 324 के तहत सब कुछ वही तय करेगा चुनावी प्रक्रिया के बारे में द फोर्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चौदहवें राष्ट्रपति चुनाव दीज इलेक्शन सेवन डेकेट्स यानी अभी तक जितने भी चुनाव हुए ऑफ इंडियन रिपब्बल एग्जिस्टेंस हैिमस एज वेल एज कंटेस्टेड तो लगभग हर समय एक चुनाव हुआ ही है 1977 को छोड़ के तो 1977 कई और वर्ष भी था जब इस तरह से यूनानिमसली हुआ है तो हमें बताइएगा तो इन नाइनटीन सेवनटी सेवन देर मेनी कैंडिडेट फाइल्ड नॉमिनेशन अनफॉर्चुनेटली ऑल बट वन वर रिजेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड दैट वन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कोई ऐसा वर्ष और था जब इस तरह से बिना किसी ऑपोजिशन के कोई एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बने हो बताइएगा रिसर्च करके द फोर्टींथ इलेक्शन इन जुलाई ट्वेंटी सेवेंटीन टुक प्लेस बिटवीन टू कैंडिडेट्स बोथ फ्रॉम द दलित कम्युनिटीज और यह तब हो रहा है इसका पीछे का परिपेक्ष्य यह है दैट इंडिया इज चर्निंग एंड पासिंग थ्रू अ मेजर फेज ऑफ रिफॉर्म एंड चेंज आप और हम भारतीय हर स्तर पर वैसे हमारे सेशंस तो दुनिया भर के लोग देखते हैं पाकिस्तानी भी देखते हैं सभी देखते हैं अगर भारतीयों की बात करूं तो जिस तरह का परिवर्तन आज भारत में हर स्तर पर दिख रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस इन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशन एवरीवेयर द चेंज इज इपोकल बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक चेंज चल रहा है अब इसका अंत अच्छा होगा या बुरा यह हर व्यक्ति की अपनी एक परिभाषा हो सकती है बट देर इज नो डाउट दैट दिस बैकड्रॉप कैन नॉट बी ओवर लुक्ड वेन वी आर डिस्कसिंग दिस इश्यू तो उसके कंटेक्स में चीजों को देख के समझिएगा कैंडिडेट्स को लेकर काफी पोलिटिकल रैंगलिंग हुई वो हमने इस पॉइंट में कवर की है बीजेपी और एनडीए का अपना एक पूरा मत है और अपोजिशन का अपना एक मत है बट बिकॉज देर आर मेनी फ्रैक्चर लाइन इन अपोजिशन ड्यू टू अट ऑफ इवॉल्विंग इवॉलविंग तो बहुत रोचक सिचुएशंस बनती चली गई कांग्रेस की तरफ से हमेशा एक प्रमुख लीडरशिप रोल लिया गया है एवरी टाइम दे हैव बीन इन अपोजिशन और दे हैव बीन आउट ऑफ पार कांग्रेस इज ऑलवेज लेड द दिशन अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम देयर वर वॉइस ऑफ डिसेंट ड्यू टू मेनी मेनी रीजनस सिक्स इलेक्टोरल कॉलेज डायनामिक्स तो आइए निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में होता क्या है तो हम तकनीकी रूप से अब इसको समझेंगे क्या क्या समझेंगे देखिए किस तरह से वोट की वैल्यू आती है किस तरह से कैलकुलेशन होते हैं इत्यादि ठीक है तैयार हैं आइए इस तकनीकी बात को समझे तो सभी जानते हैं मूल रूप से पहली बात समझ लीजिए प्रधानमंत्री का चुनाव या किसी भी लोकसभा सांसद का चुनाव प्रत्यक्ष होता है यू एंड मीन द सिटीजन ऑफ इंडिया वोट डिरेक्टली एंड नाउ ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर इट हैज बिकम वेरी क्लियर एज टू हु विल बी द पीएम कैंडिडेट ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मैंडेट दैट तो आज

और उसी में दिल्ली और पुडुचेरी भी आएगा क्योंकि वहां पे चुनी हुई राज्य विधानसभा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टोरल कॉलेजेस टेन लाख नाइनटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थ्री वोट तो अब ये डायनामिक्स को समझने में थोड़ी मदद आगे आपको उस चार्ट से मिलेगी कुल निर्वाचक मंडल के मतों का बल होगा दस लाख अंठानवे हजार नौ सौ तीन ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट वैल्यू इज सेवन जीरो एट हर सांसद वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के उनका मत का बल होगा सात सौ आठ वोट वेट ऑफ स्टेट असेंबली एम एल प्रोपोर्शनल प्रपोर्शनल टू दॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट और इसलिए पॉपुलेशन लेवल को नाइनटीन सेवेंटी वन के लेवल पर एमेंडमेंट दो हजार दो के जरिए फ्रीज कर दिया गया तो आपको जान के आश्चर्य होगा हैरत होगी यही विसंगति है जो मैं शुरू में बोल रहा था 2017 के चौदहवें राष्ट्रपति चुनाव में जिस जनसंख्या आधार के बल पर वोट वैल्यू निर्वाचक मंडल के सदस्यों की निकाली गई है वो जनसंख्या का आंकड़ा 1971 का है और 2026 तक ही ऐसे ही रहने वाला है और यह हुआ चौरासीवें संशोधन 2002 से डी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नीड्स 50% प्लस वोट्स टू विन हेंस 549452 नाइन दस लाख अंठानवे हजार का आधा तो जो भी जीतेगा उसे पचास प्रतिशत से के। और इसमें आपके पास प्रिफरेंसेस होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो अभी दो लोग थे इसलिए वन और टू तो ये इतना सीधा नहीं है तो प्रपोशनल ट्रांसफरेबल वोट है पेपर बैलेट एंड नॉट ईवीएम बहुत अच्छा वह ईवीएम यूज नहीं हुए आप समझ रहे मैंने ऐसा क्यों बोला वर यूज एंड वोट्स अ वैलेड ओनली फॉर स्पेशल वॉयलेट इंग एक्सेट्रा तो ये इसके डायनेमिक्स से इसी ने इस बात का ध्यान रखा है एम पी एस को ग्रीन बैलेट्स एम एल एस को पिंक बैलेट्स और वोटिंग टेबल्स इन द पार्लियामेंट राज्यवार जमा दी जाती है बैलेट बॉक्सेस फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ लोन इन और रूम बासठ में रखे जाते हैं संसद के और काउंटिंग ऑफ वोट्स बीस जुलाई और वर्तमान तेरहवें राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि समाप्त पच्चीस जुलाई तो ये सबसे बेसिक कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको काम आएंगे पिक्चर बनाने में ये है भारत की जनसंख्या के आंकड़े 1971 की आबादी के हिसाब से जी हां हम कभी चौपन करोड़ का देश हुआ करते थे इतना तो आज हमारे नॉर्थ इंडिया में ही किसी कोने में फिक्स हो जाएगा 135 करोड़ हम हो चुके हैं हो सकता है हमारी वर्तमान आबादी उससे भी थोड़ी ज्यादा हो यह तो हम गिनती एक्यूरेट है करके बोल रहे हैं इट कुड बी फार मोर इनफैक्ट इट कुड बी लेस ऑल्सो आई डोंट नो चांसेस मोर होने के ज्यादा होंगे सो नंबर ऑफ असेंबली सीट्स अब आप देखें कॉलम नंबर थ्री में सीरियल नंबर वन नेम ऑफ स्टेट टू नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इलेक्टिव तो कितनी चुने हुई सीटों की संख्या है राज्य विधानसभा में वो दे रखी है पॉपुलेशन क्या है समझ गए तो वैल्यू ऑफ वोट इस प्रकार से निकाला जाता है उसके प्रपोर्शन में टोटल वैल्यू ऑफ वोट फॉर द स्टेट कैसे निकलेगा नंबर ऑफ असेंबली सीट्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए उससे मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर द स्टेट आ जाता है आखिरी कॉलम में तो अब अगर आप जूम इन करेंगे तो जनसंख्या आधार है चौपन करोड़ तिरानवे लाख दो हजार पांच और टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर द स्टेट आखिरी में आ जाएगा चार लाख उन पचास हजार चार सौ चौहत्तर समझ गए तो ये राज्यों की कुल वैल्यू हो गई और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज दस लाख अंठानवे हजार नौ सौ तीन था तो बची हुई वैल्यू किन की होगी वो आप समझ सकते हैं बची हुई वैल्यू संसद के लिए तो वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोटल मेंबर्स लोकसभा प्लस राज्यसभा 543, 233, 776, वैल्यू ऑफ ईच वोट 549474, ये आपको दिख रहा है यहां पे 549474 अपॉन 776, सेवन सिक्स यानी सात टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ 776 मेंबर ये निकाल लिया गया मल्टीप्लाई करके टोटल इलेक्टर्स तो यहां पे ये नंबर 549408 और ये 549474 ये अलग हो गए टोटल इलेक्टर्स फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एमएलए एंड एमपी टोटल वैल्यू ऑफ 4896 एट नाइन इलेक्टर्स फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये 2012 में जब प्रणब मुखर्जी जी, जी चुनके आए उस वक्त 54974 प्लस दिस ये दस समझ गए तो इस प्रकार ये आंकड़े हुए तो ये इतना कठिन गणित है ऐसा लग रहा है आई आई टीजीआई की परीक्षा में हम शामिल होने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन इस गणित को समझते हुए चुनाव कंडक्ट करवाता है यही हमने अभी देखा था स्क्रीन पर जो अब आपको दिखा रहे हैं तो जिन्हें एग्जैक्टली वैल्यू मेजर करनी है वो इस फॉर्मूले को लिख लें समझ लें ये हमने इलेक्शन कमीशन की साइड से लिए हैं ये सारे आंकड़े एंड दिस इज हाउ द इलेक्टोरल कॉलेज वर्क्स तो इसमें कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहा है बट

कि जब तक 2026 के बाद का पहला सेंसस नहीं आएगा मतलब 2031, 2032, तो 2032 के आसपास के राष्ट्रपति चुनावों में ही लेटेस्ट 2031 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल होगा दैट मीन्स इसके बाद 2022 में और दो में भी उन्नीस के आंकड़ों से ही खेल होगा

अनफॉर्चुनेटली पॉपुलेशन हैवन स्टॉप रिड्यूसिंग एट ए रेपिड पेस एंड सो दूनिक थिंग नाउ इज दैट स्टेट्स विच आर वेरी डेंसली एंड हैवीली पॉपुलेटेडली तो नहीं हैवीली पॉपुलेटेड उनका अनुपातिक प्रतिनिधित्व इन चुनावों में एकदम से गिर गया है क्योंकि उनकी जनसंख्या के प्रपोशन में कुछ हो ही नहीं रहा है सो दीज आर दी पैराडोक्सेस ऑफ लिविंग इन अ सिस्टम एज वाइब्रेंट एंड कॉम्प्लेक्स एज इंडिया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एकल हस्तांतरणीय मत एस परल इलेक्शनल तो इसका मतलब क्या हुआ प्रोपोशनल अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोशनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दिस मीन्स एवरी वोटर विल है फ्रीडम टू पुट इज प्रिफरेंस ऑर्डर अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट तो भारत के अन्य चुनावों में हमें एक जगह बटन दबाना है उसको लेके ही इतना झगड़ा हो रहा है ये बटन गलत वो गलत ये कागज की पर्ची नहीं निकली वो धोखा हो गया मान लो अगर प्रिफरेंशियल वोटिंग होती ईवीएम में तो भैया फिर तो गया था अपना सिस्टम गनीमत वी हैव अ वेरी डायरेक्ट एंड सिंपल इलेक्शन एक व्यक्ति को वोट दो अदरवाइज तो रे क्या होता सो so,

प्लेसिंग द फिगर वन टू थ्री फोर फाइव एक्सेट्रा अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट करके ऐसा होगा केवल दो होंगे तो वन और टू दोनों लगा सकते हैं और इसीलिए सोनिया गांधी जी ने अपील की थी कि प्लीज वोट एज पर द कॉल ऑफ योर कॉन्शियंस एलिजिबिलिटी नॉर्म्स तो बेसिक अर्हताएं क्या होती हैं आपके सामने हैं अ कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई दीज भारत के नागरिक हो 35 वर्ष की आयु के हों लोकसभा सदस्य बने तो उपयुक्त हो सभी शर्तें पूरी करती हो करते हो मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट और लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट किसी भी लाभ के पद पर केंद्र या राज्य सरकार में या उनसे जुड़े किसी भी बॉडी में नहीं हो अब इसमें कुछ अपवाद हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कोई पहले से राष्ट्रपति हैं उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं मानेंगे उपराष्ट्रपति हैं उसको नहीं मानेंगे राज्यपाल हैं उसको नहीं मानेंगे और मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन और स्टेट उसको नहीं मानेंगे तो इस प्रकार से एक्सेप्शन दिए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स तो यहाँ चुनाव अधिकारी कौन होंगे बाई कन्वेंशन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा बिकम्स द रिटर्निंग ऑफिसर और फिर दूसरी इसमें तकनीकी बातें भी होती हैं तो यहां पर दस्तावेज जमा होंगे तो स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लोग जाके कहा दस्तावेज जमा करते हैं या नामांकन कर दाखिल करते हैं तो यहां करते हैं स्लाइड आपका उत्तर है रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास अभी तक के हमारे तेरा राष्ट्रपति ये रही उनकी सूची आपके सामने है आप इसे अपने रिकॉर्ड के लिए नोट कर लीजिएगा हर राष्ट्रपति की अपनी एक खूबी रही है एवरी सिंगल प्रेसिडेंट दैट इंडिया हैज हैड सो फार हु इज द हेड कोट कोट हैज हैड सम स्पेशलिटी कोई फिलोसोफर प्रेसिडेंट रहे कोई प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल रहे कोई हाईली डीप थिंकिंग प्रेसिडेंट रहे सबका अपना अपना एक फ्लेवर रहा है तो आपको कितने राष्ट्रपति महोदयों के बारे में पता है कि उनके लिए कौन से एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं कमेंट थ्रेड में जरूर बताइएगा ऑल द ब्यूटिफुल स्पेसिफिक एज्जेक्टिव यूज और द नेम्स यूज फॉर प्रेसिडेंट फिलोसोफर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल हमें बताइएगा हमारा भी ज्ञानवर्धन हो तो पहले से शुरू करें डॉ राजेंद्र प्रसाद हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति बड़े ग्लोरियस ऊंचाइयों तक ले गए इस पद को 50 से 62 डॉक्टर डॉ एस राधाकृष्णन 62-67 डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 टू 69 श्री वी वी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे और उसके बाद टू डॉक्टर अली अहमद फोर टू सेवेंटी सेवन इमरजेंसी दौरान लगी नीलम 82, 87, 92, 97, श्री नीलम संजीव रेड्डी सेवन टू एटी टू टूटी सेवन राजीव गांधी भयंकर संघर्ष श्री आर वेंटरमन एटी सेवन टू नाइनटी टू डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नाइन्टी टू टू सेवन श्री के आर नारायण नाइनटी सेवन टू टू थाउजेंड टू डॉ एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया टू थाउजेंड टू 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 थाउजेंड सेवन मैडम प्रतिभा पाटिल 2007 टू 2012 एंड श्री प्रणब मुखर्जी 13 प्रेसिडेंट टू 2017 अभी तक के सभी राष्ट्रपति महोदयों और महोदया की सूची यह आपके रिकॉर्ड के लिए अच्छा होगा हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की साइट से ही लिया है कुछ स्पेसिफिक इन देख लीजिए सेवन ऑफ दर्टीन प्रेसिडेंट टिल टू थाउजेंड अ पोलिटिकल पार्टी बिफोर बींग इलेक्टेड एंड सिक्स फ्रॉम आई वन जनता पार्टी तो बाकी नहीं थे किसी पोलिटिकल पार्टी से सी टू प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद बोथ हैव डाइड इन ऑफिस डी वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एंड फखरुद्दीन अली अहमद अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड तो कार्यकारी राष्ट्रपति बने जब इन दोनों की मृत्यु हुई प्रेसिडेंट इज प्रणब मुखर्जी एंड हु वॉज इलेक्टेड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई एंड ही टू थाउजेंड ट्वेल्व और ये बहुत विस्तृत अनुभव लिए हुए हैं अनेक सरकारी महकमों में मिसेस प्रतिभा पाटिल वो द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ये कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें हैं विल तो मुख्य फर्क आपको बता दिया गया है इन अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में बाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन सभी सांसदों को तो जनता चुनेगी लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हेड यानी प्रेसिडेंट को भी जनता चुनेगी वेर एज इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय व्यवस्था में जनता केवल लोक प्रतिनिधियों को चुनेगी जो अपने प्रमुख को चुनेगा जो कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा वी होप यू हैव इंजॉयड एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक सेशन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इस तस्वीर को और ध्यान से देख लीजिए और इस तस्वीर में आपको बेसिक डायनामिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आई होप क्लियर देख लीजिए एक बार और कोई भी आपका प्रश्न हो कोई भी आपका इंसाइट हो तो हमें अवश्य बताइएगा कमेंट थ्रेड में। और किसी का प्रश्न आता है तो दूसरे साथी उसका उत्तर देने का कष्ट करें वी मूव टू इंपॉर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट महत्वपूर्ण हालिया घटनाएं। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्टेड एंड बीजेपी अनाउंसेज वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन अब इसमें दुख की बात यह है कि एक बहुत अच्छे मंत्री अब फिर से राजनीति से हटके पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में चले जाएंगे ऐसा बार बार हो रहा है इसलिए थोड़ी सी दुख की बात है राष्ट्रपति नाथ कोविंद फेसिंग ऑफ अगेंस्ट द ज्वाइंट ऑपोजिशन कैंडिडेट मिस मीरा कुमार द प्राइम मिनिस्टर हैज इन एन ऑल पार्टी मीटिंग रिसेंटली सेट मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री महोदय ने एक संयुक्त सभी दलों की सभा में यह भी कहा था कि बहुत अच्छा होता अगर यूनानिमिटी से ही हो जाता लेकिन वैसा नहीं हो सका लेकिन फिर भी ये चुनावी संघर्ष बड़ा गरिमापूर्ण हुआ इसका उन्हें आ, इसकी बहुत खुशी है उन्हें इस तरह की बड़ी महत्वपूर्ण ये न्यूज़ आइटम्स वगैरह जितने भी हैं इसका कंपाइलेशन आपको बॉडी बूस्टर पे तो मिल ही रहा है उसके अलावा आपके लिए एक और बहुत अच्छी सर्विस है वो आपको तुरंत अभी बता दूं आप सिविल्स तपस्या पोर्टल पर जब आएंगे सिविल्स डॉट पर यहाँ पर आप ये करंट अफेयर्स में PIB आई आपको दिखेगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के कुछ excerpts यानी कि झलकियां उनके बहुत सारे होते हैं पढ़ने में स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है तो हमने ये पी आई बी सेक्शन बना दिया है ये आप देखेंगे यहां पे ये सारे excerpts हैं पी आई बी की न्यूज के बड़े यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में आपके लिए यहां पे तैयार हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं पढ़ सकते हैं एंड नॉट ओनली दिस अ पिक्चर स्पीक्स अ थाउजेंड वर्ड्स चित्र हमेशा हजार शब्द कह जाते हैं तो यहीं पर आपको एक पी आई बी फोटो गैलरी दिखेगी इसे हमने ऑन किया है अब फोटो तो ठीक है लेकिन उसके नीचे ये जो एक्सप्लेनेटरी कंटेंट है ये हमें बहुत कुछ बता जाता है तो इस प्रकार आपके लिए ये पूरी फोटो गैलरी लगातार यहां पे एंट्रीच होती जा रही है आप इसे देखते चलें। फॉर अ वेरी क्विक रिविजन जब आप थोड़ा सा लेजरली मूड में हो आराम से कुर्सी पीछे करके आपको थोड़ा रिलैक्स करते हुए रिवाइज करना हो यह थोड़ा सा अच्छा हो सकता है दिस कुड बी हेल्पफुल एंड रिलैक्सिंग एज वेल ओके अदरवाइज तो ओरिजिनल पी आई बी तो है ही एंड इट्स अ वंडरफुली मेड साइट सारा कंटेंट हम वहीं से लिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द इलेक्टेड यूटीज टेली एंड पुडुशे वाइस प्रेसिडेंट टू बैलेंस आउट द नॉर्थ इंडियन इक्वेशन निश्चित तौर पर उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की वृहद विजयों की पूरी श्रृंखला रही है अब उन्होंने लगभग सबको जीत लिया है ऐसी स्थिति में एंटी इनकम बंसी का होना बहुत बहुत संभव है तो सीटें अगर बढ़ानी है तो किसी ना किसी तरह उत्तर और दक्षिण का बैलेंस बनाना होगा Hence, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री वेंकैया नायडू जी विल बी दी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तो इस प्रकार एक नॉर्थ साउथ का बैलेंस भी है बट द सैड पार्ट एज सेड अ वेरी वेरी एफिशिएंट एंड अ पर्सन विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड अ ग्रेट विट विल नाउ होल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नॉट एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट द सी में डायवर्ल्स रिचेस्ट टू इंडियन साइंटिस्ट सोन मेरी एक्सप्लोर स्ट्राइक गोल्ड तो ये भारत के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जी ने बहुत ही अच्छी खबर दी है क्या खबर दी है देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अनन्य आर्थिक क्षेत्र आपको दिख रहा है यह पूरा लाइट कलर शेड भारत के तटों के आसपास 7500 किलोमीटर की हमारी तटरेखा द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मे हैव स्ट्रक गोल्ड थ्रू द पेन स्टेकिंग रिसर्च ऑफ द ओशन बेड अराउंड इंडियन कोस्ट तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने शायद बहुत बड़ा जैकपॉट हासिल किया है क्योंकि तीन साल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ विच प्रोजेक्ट हाई रेजोल्यूशन सी बेड मैपिंग एंड नेचुरल रिसोर्स एवोल्यूशन ये पूरा याद रखिएगा द सी बेड ऑफ प्लेसेस लाइक चेन्नई मैंगलुरु मन्नार बेसिन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप यहां बहुत सारे संसाधन पता चले हैं लाइम मड फॉस्फेट रिस सेडिमेंट्स, हाइड्रोकार्बन मेटालिफोरस डिपोजिट्स माइक्रोनॉड्यूल्स अगर इनका सही ढंग से अब दोहन किया जाए तो आने वाले समय में ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेस भारत के लिए हो सकते हैं सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज गिवन टू अस बाय जीएसआई। तो ये खजाना मिला है ओशन फ्लोर पर और इस तरह के अनेक शिप्स में जाकर वहां से फिर रिसर्च बेथिस वगैरह जाते हैं नीचे जिससे सब पता चलता है और ये इसी तरह की एक शिप को सी ऑफ करते समय तो आर वी समुद्र रत्नाकर इस तरह की अलग अलग शिप्स थी फॉर एग्जाम्पल यू है समुद्र रत्नाकर समुद्र कौस्तुभ समुद्र सौदिकाम इन शिप्स में सारा रिसर्च का इक्विपमेंट जाता है और ये हाई सीज पर जाकर पूरा रिसर्च और सर्वे करते हैं दिस इज हाउ थिंग्स आर फाउंड सो दिस इज द कटिंग एज ऑफ साइंस आप देख रहे हैं अलग अलग इक्विपमेंट जिस प्रकार रिसर्च होती है तो ये हैं समुद्रों के भीतर जाकर रिसर्च करने का वाटर प्रेशर की अपनी अलग ही कहानी होती है तो क्या क्या है लेफ्ट से राइट देखेंगे तो रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल साउंड पल्स टू मेजर डेप्थ मल्टीपल सैंपलर फॉर सी फ्लोर सेडिमेंट्स कंडक्टिविटी टेम्परेचर डेप्थ सेंसर विथ वाटर सैंपलर्स बूमरिंग ग्रैप फॉर मैंगनीज नोड्यूल्स अंडर वाटर वीडियो एंड फोटो सिस्टम ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल इसको ए यू वी कहेंगे डीप सी मूविंग फॉर डिप्लॉइंग करंट मीटर्स एंड सेडिमेंट ट्रैप्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स एक्सेट्रा ये हैं अलग अलग यंत्र जिनकी मदद से जीएसआई ने ये अद्भुत चीजें खोज निकाली हैं जिनसे भारत को आने वाले दशकों में बहुत मदद होगी तो बहुत बहुत बधाई आपके लिए तालियां डन well मेजर डिसीजन अब एक बहुत बड़ी खबर और स्ट्रेटेजिक रिट्रीट किया है भारत ने इंडिया विल नॉट होस्ट जी ट्वेंटी इन ट्वेंटी ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपेरनेस इट विल बी दी ट्वेंटी गेट टूगेदर मोस्ट पॉवरफुल पीपल इन द वर्ल्ड आपको पता ही है हमने इस पे बोधी बूस्टर में बहुत बात की है जी बी सम्मेलन विश्व के सबसे ताकतवर देशों की एक एनुअल समिट अब बन चुका हैम्बर्ग टू थाउजेंड सेवेंटीन एट जर्मनी मेड दैट वेरी क्लियर और भारत का नंबर 2019 में लगा हुआ है लेकिन मोदी सरकार ने डिसाइड किया है कि जी ट्वेंटी की होस्टिंग भारत में अभी नहीं होगी 2021 के बाद कभी प्रयास होगा क्यों हुआ ऐसा मेजर कंस्ट्रेनोज द मोदी गवर्नमेंट हैंड टू पुल बैक ए मोदी गवर्नमेंट वांटेड टू होस्ट इट इन टू वर्ड एटीन टू द नेक्स्ट इलेक्शन बट दी होस्ट ऑफ टू थाउजेंड एटीन मेक्सिको डिड नॉट एग्री and second reason itpos indian trade promotion organizations revamp pragati maidan facility is not ready and the global convention center planned by dmic is also not ready to sarkar ne socha ki abhi किसी भी तरह की हमसे गलती हो जाए जैसे ब्रिक्स Summit Goa 2016 में Convention level पर बहुत सारे gaps हुए थे BRICS में तो पांच ही देश आए थे यहां तो 20 देश और ऑब्जर्वर देश मतलब पूरी दुनिया ही है प्रैक्टिकली टॉप लेवल की यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड अब आप देखिए भारत जैसे देश में एक ग्लोबल स्केल कन्वेंशन की फैसिलिटी नहीं है सो एज अ नेशन वी रियली हैव टू डू अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि हम आखिर क्यों इन चीजों में कहीं ना कहीं थोड़े कम रह जाते हैं मे बी द कमिंग ईयर विल बी डिफरेंट आई डोंट नो छोड़ के बाकी नेताओं में आप कितनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रम्प साहब को भी छोड़कर ट्रम्प साहब मर्कल और मोदी जी को छोड़कर बाकी नेताओं को आइडेंटिफाई करें कॉमेंट थ्रेड में आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी तो कैसे करेंगे फर्स्ट रो लेफ्ट टू राइट सेकेंड रो लेफ्ट टू राइट थर्ड रो लेफ्ट टू राइट फोर्थ रो लेफ्ट टू राइट तो आपके लिए एक्सरसाइज है एक दो सज्जनों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वो बिल्कुल बाई और ही देख रहे हैं अपने उनको कोई मतलब ही नहीं है जी उनकी बात मान ही नहीं गई नाराज होगा रूट के जा रहे हैं कुछ लोग बहुत खुश हैं उनकी सारी बातें मान ली गई हैं होस्ट हमेशा दुखी रहता खर्चा हो जाता है बेचारे का एनी anyway, वे तो ये सब लाइट हार्टेड कमेंट थे इनको बता मत देना मिसाइल छोड़ देंगे मेरे ऊपर

एंड मोस्ट ऑफ ऑल इजराइल तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अमेरिका में सर्कुलेट हुए थे कि भाई जरूरी है डील जिससे कि शांति का मार्ग प्रशस्त होगा ईरान इज नो पुश ओवर इट्स अज नेशन साइज वाइज बहुत बड़ा देश है वाइज़ रिच है पॉपुलेशन वाइज और हिस्ट्री वाइज भी बड़ी डीप हिस्ट्री है पर्शियन सिविलाइजेशन दुनिया भर के न्यूक्लियर वेपन की सूची तो हुआ यह है कि द राइट विंग एंड दो अपोज टू दैंडमार्क टू थाउजेंड फिफ्टीन न्यूक्लियर डील मे हैव इंजीनियर दिस एंटायर थिंग तो इस तरह की अजीब और गरीब चीजें विश्व राजनीति में होती हैं एंड द शिफ्टिंग सैंड्स द केयर फॉर नो वन आइए क्विज की तरफ चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी तैयार है पहला प्रश्न लंबा जोड़ा प्रश्न आ गया इसलिए आपको कुछ सेकंड देता हूं पढ़ने के लिए ऑनलाइन बोधी न्यूज की क्विज अपनी जगह रेडी है जरूर सॉल्व कीजिएगा विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्शन टू प्रेसिडेंट्स पोस्ट इन इंडिया तो भारत में राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए इनमें से क्या अभी वैलिड नहीं माना जाएगा विच ऑफ नॉट होल्ड बताएं। तो ये तो आप सॉल्व कर ही रहे हैं लगे हां तो आपको बता दूं एकदम अल्ट्रा मॉडर्न फॉर्मेट में आपको क्विजेस ऑन बोधी न्यूज मिलेंगी ये यहां से ही आप क्विजेस का क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन से तो क्विजेस ऑन बोधी न्यूज ये रहीं सारी क्विज़ेस, दीज ब्यूटिफुल बॉक्सेस दे कंटेन द क्विज इसे आप ओपन करें और बिल्कुल लाइव ऑनलाइन ये आपके लिए चालू हो जाएगी आप आंसर मार्क करें आपको लाइव स्कोर मिलेगा आप किसी भी क्विज को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन पर नेविगेट कर सकते हैं डिटेल सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ें अपना स्कोर सबमिट करें अरे रे जीरो मार्क आए मुझे गया काम से सही और गलत उत्तर इस तरह से आपको कलर कोडेड दिखेगा नीचे स्क्रॉल करेंगे जहां सॉल्यूशन होंगे वहां आपको डिटेल सॉल्यूशंस मिलेंगे ये सारी अद्भुत सेवाएं आपके लिए बॉडी बूस्टर पर उपलब्ध हैं तो सारे टेस्ट दीजिए अच्छे से करें इसको शेयर विद द वर्ल्ड एंड डू लेट अस नो इन दी कॉमेंट थ्रेड आपको ये सब कैसा लग रहा है आज की क्विज भी यहीं पर अपलोड कर दी गई है चलिए प्रश्न पर वापिस आए ए बी सी डी पढ़ा आपने ये प्रश्न अरे सर पढ़ने ही कहा दिया आप तो वेबसाइट पर ले गए चलो चलो पढ़ लो टिक टॉक। The correct answer to this tough question here is all of these. Which of these is not true? इनमें से क्या सही नहीं है A सही नहीं है आज हमने बात की थी B सही नहीं है UTs are included. C सही नहीं है एटी फोर्थ अमेंडमेंट एंड डी सही नहीं है क्योंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है हेड ऑफ स्टेट है तो ये था ना बढ़िया प्रश्न क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज द द की बिहाइंड हाई मैपिंग एंड नेचुरल रिसोर्स आज हमको हमने आपको बताया ओशन फ्लोर पे बहुत कुछ पता चला है भारत के ई e जेड -E में तो ये पूरे प्रोजेक्ट के पीछे का प्रमुख विचार क्या है वन टू थ्री फोर फाइव देखिए टफ क्वेश्चन है एकदम मजा आ जाएगा आपको अलग अलग एग्जाम्स में जब लेवल हाई होता है तो इस तरह के प्रश्न आते हैं The correct answer here is option number 2 The wealth of mineral resources that the explorations and studies have revealed offer a golden opportunity to India to explore its own ease and not only meet its need but cut its import bill over the next few years and maybe even on through exports. अच्छे से पढ़िएगा समझिएगा ऑनलाइन क्विज़ भी है तो आप आराम से दे सकते हैं परीक्षा को दो तीन बार. What does the decision by India to give up its hosting of the 2019 G20 summit indicate? तो भारत ने G20 सम्मेलन नहीं आयोजित करने का निर्णय लेकर क्या दर्शाया है वन टू थ्री फोर फाइव वन ब्रिक्स में गलतियां हुई थी दोहरा नहीं थी टू थ्री फोर फाइव कठिन प्रश्न है बड़े लंबे लंबे ऑप्शन हैं सही उत्तर है ऑप्शन थ्री दैट फॉर द डिजायर टू प्रोजेक्ट आउटवर्डली पार ग्राउंड रियालिटीज कैन ग्राउंड द मोस्ट एम्बिशियस प्लांस एंड इट्स बेस्ट टू बीट अ टैक्टिकल रिट्रीट तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन था और बहुत क्लोज थे ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ आइए चौथे क्विज क्वेश्चन पर आ जाएं ये हमारी क्विज का ऑनलाइन क्विज तो आपको अलग से मिलेगी अभी का ये आखिरी प्रश्न होगा आइए सॉल्व करें वॉट द डिटेनिंग ऑफ द ब्रदर ऑफ इरानियन प्रेसिडेंट इन ईरान शो है ना मददार प्रश्न मल्टीपल फोर्सेस ऑपरेट इन द थियोलॉजिकल स्टेट ऑफ इरान एंड गवर्नमेंट इज नॉट सुप्रीम ऑलवेज द ईरान न्यूक्लियर डील पुश बाई ओबामा हैज नॉट बिन लाइक बाई मेनी the key role played by Hussein Ferdoun in the nuclear deal is the main cause for this conflict. That the judiciary in Iran may be directly working at least in this particular case under the spiritual leaders' instructions. So obviously the correct answer is all of the above. Yes, sab hua hai. Humne aaj aap se baat bhi ki hai. Facts and numbers. Aayiye tathyon ki baat karein. Bharat. के रक्षा बजट की बात की जाएगी आपके लिए हमने सभी तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं हियर आर द रिलेटिव कंपेरेटिव फिगर्स दो हजार पंद्रह सोलह बजट एस्टिमेट सोलह सत्रह रिवाइज एस्टिमेट संशोधित अनुमान एंड दो हजार सत्रह अठारह बजट अनुमान राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1.75 लाख करोड़ लेटेस्ट बोल रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय जिससे कि मॉडर्नाइजेशन होगा हालांकि उसके लिए फंड अलग से भी देते हैं मांगे जाते हैं 86,000 तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू डबल से ज्यादा हो गया तो ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है टोटल बजट टू टू रेवेन्यू में सारे रनिंग एक्सपेंसिस टिव स्टैटिस्टिक्स अब बिल्कुल बारीकी में अगर आप तो ये हैं तुलनात्मक आंकड़े 2016 2016-17 और 17-18 के कुल डिफेंस बजट. ये फिगर आप जरूर याद रखना 2.49 लाख करोड़ 2.62 लाख करोड़ उसपे से बिलियन ऑफ डॉलर्स निकल आएंगे एक बिलियन डॉलर साढ़े छह हजार करोड़ के आसपास मान लीजिए ग्रोथ ऑफ डिफेंस बजट पिछले साल एक प्रतिशत इस साल साढ़े पांच प्रतिशत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्विजिशन शेयर ऑफ डिफेंस बजट इन जीडीपी बड़ा महत्वपूर्ण पहले 1.65 परसेंट अब हो गया 1.56 परसेंट शेयर ऑफ डिफेंस बजट इन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर साढ़े बारह या बारह दशमलव छ अब हो गया बारह दशमलव दो ये चार पांच महत्वपूर्ण आंकड़े हैं यूज कीजिएगा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट क्या होता है वो फिगर इससे अलग है उसमें और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आई होप दिस इज क्लियर मॉडर्नाइजेशन बजट आपको पता ही है जुलाई 2017 में फाइव ईयर आर्मी प्लान या डिफेंस प्लान जो सबमिट होता है डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो दिया है उसके तहत अब इंडियन मिलिट्री ने बहुत बड़ी राशि की मांग की है अगर अगले पांच साल में दोनों फ्रंट्स को यानी पाकिस्तान फ्रंट और चाइना फ्रंट को सुरक्षित करना है तो रीजनेबल आइडिया इन टू हाउ द डिफेंस इज गोइंग मेजर एलिमेंट्स में टॉप लेवल पे दस साल का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो वो ये है पे एन अलाउेंसेज वेतन मान वेतन भत्ते मॉडर्नाइजेशन इन स्टोर्स एंड अदर्स तो मॉडर्नाइजेशन हैज कम टू द्लेस नाउ विच इज अ डेंजरस सिग्नल एंड इफ यू वॉन्ट टू सी दी ट्रेंड लाइन कैपिटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ये आती ट्रेंड लाइन

वैसे तो लिंक आपको वीडियो के साथ ही मिल गई है लेकिन ये ड्रॉप डाउन से भी है क्विज पर आए ओपन करें पूरी क्विज सॉल्व करें दिस इज एन अल्ट्रा मॉडर्न मोबाइल रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी बस थोड़ी सी इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड ठीक रहे तो बेहतर है सिविल्स तपस्या पोर्टल पर रोजाना आए सिविल्स डॉट पीटी एजुकेशन डॉट कॉम दे इज अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हियर ये आप ही के लिए है एप्सोल्यूटली फ्री वार्तालाप फोरम पर आंसर राइटिंग में पूरे जोश के साथ पार्टिसिपेट करें इट्स योर कम्युनिटी यू कैन मेक इट सक्सेसफुल एंड ऑफकोर्स द पी टी बूस्टर साइट ये सब कुछ सारे स्टूडेंट्स के लिए ताकि सबका स्किल डेवलपमेंट अपने अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होता रहे आज के लिए इतना ही नमस्ते जय हिंद